बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे, सीधे आपको लेकर चलते हैं। करने के लिए ही तैयार नहीं, मुद्दा आप सबके सामने बिल्कुल सर्व स्पष्ट है, चाहे वो सुखाड़ का मामला हो, चाहे वो तुष्टिकरण का मामला हो, या फिर गौ तस्करी का मामला हो, विद्यालयों में जो उर्दू विद्यालय बाकी यानी जितनी भी जो चीजें हैं, पार्टी मानती है कि भाई हम उन सारे समस्याओं को लेकर के जो जन समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उनको लेकर के सदन में हम उठावे, जनता की आवाज बने, जनता ने जिस काम के लिए हम सबको भेजा है, लेकिन सरकार उसे भागते रहे। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने देखा विधानसभा के अंदर भी विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग चाहे निर्दलीय विधायक हो, अब सबने देखा कि सरकार को लोग चुनौती देते रहे, यहां तक कि उनके उत्तर से सत्ता पक्ष के विधायक भी खुद संतुष्ट नहीं दिखे। आप सब लोगों ने खुद देखते रहे, और जब विधायक अपनी आवाज उठाने के लिए कोई पहली दफा बेल में नहीं आते हैं, पहले भी हम सब लोग आते रहे हैं, बेल में विधायक आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस ढंग से दो दिन पहले विधानसभा से विधायकों को सस्पेंड करना, और उसमें भी आपने देखा कि पटेल जी तो उसमें उपस्थित ही नहीं थे, उसके बाद भी चार विधायकों को सस्पेंड करना, और वो भी मनमानी तरीके से, कायदे से तो ये होता है कि भाई संसदीय कार्य मंत्री थे, प्रस्ताव लाते और उसके बाद फिर सस्पेंड करते, क्योंकि कोई आचरण और संवैधानिक कहीं से भी कोई नहीं रहा, ना कोई आचरण और मर्यादित भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी उनको देखे कि मनमानी तरीके से इसका उन्होंने सस्पेंड किया। फिर सस्पेंशन को समाप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है आंदोलन, वो सब तो पार्टी हम सब लोग करते रहे, लेकिन आज आप सब ने देखा कि भाई किसी को, हमें लगता है कि आप सबको भी समझ में नहीं आया होगा, पहले तो थोड़ी सी विधायक बेल में आए तो उस समय 12:50 तक हाउस को एडजॉर्न कर दिया, उस समय भी कोई बहुत समझ में नहीं आया कि भाई इतनी जल्दी तो कभी वो करते नहीं थे, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि हम सब लोग विधायक इतना टेबल पटकते थे, हाथ बजाते थे, हल्ला करते थे, तब भी वो सदन को चलाते रहे, कोई ऐसी नई बात नहीं है। अगर उस तुलना में देखें, आज तो विधायक कुछ भी नहीं किए, दूसरे विधायक क्या कहते हैं, बेल पर विधायक आए थे अपनी बात को रखने के लिए, जब नहीं सुन रहे थे मंच, क्या कहते हैं, अपने सीट से जब आवाज उठा रहे थे, तो सीधे विधानसभा को 12:50 तक स्थगित किया, और उस समय भी आप सब लोगों ने गौर किए होंगे 12:50 में ऐसे तो अध्यक्ष जी कभी भी समय पर, हमने पूरे 2.5 वर्षों से अधिक समय हो गया हमारे पूरे कार्यकाल में, हमने कभी भी नहीं देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष उस समय पर बैठते हो कुर्सी पर, ये अपने आप में बड़ी अजूबा होती है, लेकिन आज जब देखे तो हमें लगता है कि शायद 1-2 मिनट या 4-5 मिनट बचा होगा, तब वो फिर वहां पर कुर्सी पर बैठे हैं, और भोजन अवकाश के बाद तो आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, तो ये बिल्कुल साफ लगता है भाई सरकार, अगर सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं था तो नियम क्या होता है, कार्य मंत्रणा समिति के साथ एक बार बुला लेते, क्योंकि इस बीच तो इन्होंने बुलाया नहीं कार्य मंत्रणा समिति, जब इतना हंगामा कुछ होते रहा, कायदे से तो ये होता है उस समय बुलाना चाहिए था कार्य मंत्रणा समिति, और बात करते सबों से कि भाई क्यों हल्ला हो रहा है, क्या करना, फिर समय पर्याप्त था सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आज भी वो काम उसको कर सकते थे, भाई अगर सरकार के पास
तो बुला करके कार्य मंत्रणा समिति में बैठ करके कि सरकार का बिजनेस समाप्त हो गया, आगे हमें क्या करना है, या तो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है तो वो भी शाम तक चला करके, या क्या कहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्णय ले सकते थे। लेकिन जिस ढंग से विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित किया, इसे बिल्कुल साफ है, मैं ये कह सकता हूं सरकार जनता के सवालों से भाग रही है और सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उनको पता था कि भाई उनको तो जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि आज क्या है, उनके एक विधायक प्रतिनिधि है वो जेल में है, उनके जो प्रेस सलाहकार है वो ईडी के दफ्तर में है, दो दिनों से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आज ये जो स्थिति है तो सरकार जनता की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।